सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अभी तक बात कर रहे थे अपने पेट को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में, यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हम भोजन के खान पान के नियम, अपनी प्रकृति, संतुलन और आहार की मात्रा, अग्नि बल, ये सब देख कर भोजन करेंगे तो हम जीवन भर यानी जितना भी जियेंगे अपनी पेट की समस्या या पेट से उत्पन्न और कोई समस्या, देखिए सारी समस्याएं पेट से ही लगभग उत्पन्न होती है 90%। पहले पेट में कोई समस्या होगी, अपच होगी, गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा या पाचन खराब होगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद ही धीरे धीरे वो हमारे बाकी ऑर्गन पर अफेक्ट करते करते बाद में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के नाम पर कोई और बीमारी बन जाएगी। तो शुरुआत तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से ही होती है, पाचन तंत्र से ही होती है। हम जो भोजन करते हैं उसी से ही हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। जैसे आयुर्वेद का कहना है कि हमें 7 धातुएं बनती है भोजन पच जाने के बाद। रस, रक्त यानी कि हमारा ब्लड, मांस जो कि हम हमारे शरीर में मांसपेशी या मसल्स देखते हैं, मांस, मेद, फैट बनता है, अस्थि बनती है यानी कि हड्डियाँ, बोन मैरो, अस्थि के बाद मज्जा बनता है, बोन मैरो जिसे कहा जाता है, हड्डियों के अंदर होता है, फिर शुक्र बनता है, स्पर्म बनता है, फिर उससे फिर आगे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है, जो स्पर्म बनता है वही हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, डेवलप करती है हमारे शरीर को, यानी हमारे जैसा ही एक और शरीर तैयार करने में मदद करती है। और इन 7 धातुओं का लेना देना कहाँ से है? पाचन से है। पाचन ही खराब तो एक एक करके सभी धातुएं खराब, अंतिम धातु शुक्र भी खराब और आने वाली जनरेशन भी खराब। तो ये खराब खराब खराब, आप ऐसी सभी खराबियों से बचना चाहते हैं तो पाचन को बिल्कुल ठीक करें। तो ऐसे ही आज एक समस्या के बारे में हम बात करेंगे जिसका IBS नाम है, यानी कि गृहिणी की समस्या जिसे कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और हमारे आयुर्वेद की भाषा में उसे गृहिणी कहा जाता है। अब ये गृहिणी है क्या या IBS है क्या, तो कुछ नहीं, सामान्य सी भाषा में हम कहें तो पेट की गड़बड़, खाना ना पचना, अपच या लूज मोशन, ऐसी समस्या होती है इसके अंदर। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण कुछ नहीं, जो हम पिछली वीडियो में अभी तक कहते आए हैं यही है, यानी कि अनियमित दिनचर्या, यानी कि हमारी कोई नियम नहीं है खान पान में, उसके कारण से ऐसा होता है। कई बार लोग व्रत बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी ऐसा करते हैं कि खाना वाना ज़बरदस्ती रोके रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं शाम तक। अब वो आस्था के कारण करते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन देखिए आप शरीर आप इतना खराब कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भूखे रहना या बहुत ज़्यादा भोजन कर लेना, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आपकी क्षमता ही 2 रोटी की है और आपने 4-5 रोटी स्वाद में या जीवा के स्वाद में जिस तरह से भी खा ली, तो उसके कारण भी ऐसा होता है। या विषम भोजन करना, कभी आपने अच्छा ज़्यादा खाया, कभी ठीक ठाक खाया, कभी बिल्कुल कम खाया या कभी भूखे ही रह लिए, जिस भी कारण से रहें, लेकिन ये सब करना ही IBS का मेन कारण बन जाता है। फिर उसके बाद अपनी प्रकृति के हिसाब ना खाना, असात्म्य आहार कहा जाता है जिसको आयुर्वेद के अंदर, आपकी जो प्रकृति है उसके खिलाफ भोजन करे जा रहे हैं आप, या बहुत ज़्यादा भारी खाना खा रहे हैं। भारी खाना अग्नि को मंद करता जाता है धीरे धीरे, लगातार आप भारी भोजन कर रहे हैं, रूखा ड्राई भोजन कर रहे हैं जो आपके इंटेस्टाइन में पूरी ड्राइनेस पैदा कर देता है, वात को बढ़ा देता है, या बासी खाना खा रहे हैं, या बिल्कुल भी पोषक तत्वों से भरा खाना नहीं खा रहे हैं, दूषित भोजन जिसे कहेंगे, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ऐसी सभी चीज़ों से IBS होता है। IBS का एक और कारण में मुख्य कारण ये है कि हम भोजन तो कहते हैं जी हम बिल्कुल समय पे कर रहे हैं, ठीक है समय पे कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं? हमें पिछला भोजन पचा नहीं है, पेट अभी भारी है, जिसे अजीर्ण कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, अपच। तो अभी भोजन पिछला पचा नहीं है, पेट भारी है, बस समय होने के कारण ही हम खाना खा रहे हैं, तो ये भी IBS का एक मुख्य कारण है। पिछला भोजन पच जाए, खुलकर भूख लगे, उसके जो भी नियम बताए गए हैं मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मूल वहीं से निकल कर आता है। तो अच्छे से भूख लगे तो ही आपको भोजन करना है, ये नहीं कि अभी अजीर्ण है, भोजन पचा नहीं है पिछले वाला, और आप बस नियम के हिसाब से समय के हिसाब से खाए जा रहे हैं, तो वो भी IBS का एक मुख्य कारण बन जाता है। सिम्टम के बारे में बात करें तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जो भोजन अंदर गया और पका नहीं अग्नि की विषमता की वजह से या अग्नि की मंद होने की वजह से, क्योंकि ये देखिए बेसिकली IBS जो है मंद अग्नि का रोग है, धीरे धीरे अग्नि मंद पड़ जाती है, पाचन बिल्कुल स्थिर पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, अग्नि मंद हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अब भोजन अंदर गया, ढंग से पका नहीं, उसका पाचन नहीं हुआ, जैसे कि आपने टोपिए पर कुछ रखा बनने के लिए, आपकी गैस खत्म हो गई या गैस बहुत जाम चल रही है, मध्यम चल रही है, कुछ भी कारण हो सकता है जैसे अंदर के कारण है, तो उस कारण की वजह से भोजन ढंग से पका नहीं, तो वो भोजन क्या करेगा? जब आप उस कच्चे भोजन को खाएंगे तो बीमारियां ही देगा, गैस करेगा, अपच करेगा, एसिडिटी करेगा, पेट दर्द होगा, पेट में सूजन आ जाएगी, फूल जाएगा, ऐसी सारी समस्या उत्पन्न करेगा। तो ठीक
वैसे ही वो भोजन अगर ढंग से पका नहीं तो हमारी सातों धातुएं क्या होंगी, अधकची अधपकी, ठीक। तो पूरे संपूर्ण शरीर का निर्माण ही बिल्कुल खराब हो जाएगा, दूषित धातुओं से हो जाएगा। तो भोजन जो अंदर गया है वो पका नहीं है, अग्निमंद होने की वजह से, पाचन अच्छा नहीं होने की वजह से, तो कच्चा भोजन ही हमारे मल मार्ग से बाहर की ओर निकलता है। उसके अंदर कई बार लूज मोशन होते हैं, कई बार हार्ड स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाता है बकरी की तरह, फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जियत हो जाती है, रुक रुक के मल का निकलना होता है, या बहुत ज़्यादा अपान वायु का निकलना होता है, गैसेस का निकलना होता है। फिर कई बार क्या होता है कि पाचन ठीक भी रहता है, कई बार अग्नि बिल्कुल उसे ठीक से पचा भी देती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है। तो ये सब इसके लक्षण माने जाते हैं। IBS या गृहिणी के टाइप्स की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है त्रिदोष का, उसी हिसाब से वातज, पित्तज और कफज गृहिणी होती है, साथ ही साथ सन्निपातक, यानी कि तीनों से गड़बड़, तीनों की गड़बड़ की वजह से हुआ IBS का जो रोग होता है चौथे नंबर पे, यानी कि वातज गृहिणी, पित्तज और कफज, फिर उसके बाद सन्निपातक, तीनों के मिक्स के कारण हुआ। तो ये इसके प्रकार है, इनके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इनके लक्षण और उपाय दोनों ही अलग अलग हैं। अब एक वीडियो में हम सभी के गृहिणी का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ को अलग अलग प्रकार की होती, किसी को वातज होगी, किसी को पित्तज होगी, तो उसको पहचानना पड़ेगा पहले, फिर आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भोजन जब नहीं पचता है तो आमाशय से फिर सीधा वो बाहर ही आ जाता है, कच्चे फॉर्म में ही जैसा गया था वैसा आ जाता है, और वो नीचे की तरफ नहीं बढ़ता है। तो ये भी एक IBS का लक्षण है। और उसके बाद बात करें तो फिर इसके अंदर शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, शिराओं में, हड्डियों में खास करके दर्द होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भोजन में तो अरुचि होती ही होती है, दुर्गंधयुक्त डकार आती है, जब एसिडिटी होगी खाना पचेगा नहीं, तो बड़ी बेकार सी खट्टी खट्टी और इस प्रकार की डकारें भी आती हैं। तो ये भी इसके लक्षण हैं। महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि पक्वाग्नि, यानी कि हमारी जो 13 अग्नियां हैं आयुर्वेद के अंदर, उसके अंदर सबसे मूल यानी जो सबकी जड़ है उसे पक्वाग्नि को माना गया है। तो ये जब तक अच्छी रहेगी तब तक बाकी की 12 अग्नियां भी अच्छी रहती हैं, और इसके मंद पड़ते ही बाकी की 12 अग्नियां भी धीरे धीरे मंद पड़ जाती, क्योंकि आधार यही है। तो इस आधार को सही रखने के लिए वो कहते हैं कि खान पान के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, अपनी जिह्वा को लगाम लगानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी एक गोली, एक चूर्ण, एक चटनी से आप IBS का या गृहिणी का समाधान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस रोग को सही होने में, काफ़ी पुराना जो रोग हो तो इस रोग को सही होने में कम से कम साल भर भी लग जाते हैं, या उससे अधिक का भी समय लग जाता है। संयम और नियम का पालन बिल्कुल ही बरतना होता है। आगे हम मिलेंगे अलग अलग प्रकार की गृहिणी रोग की जानकारी के साथ, उसके समाधान के साथ। आप यदि किसी भी गृहिणी रोग से परेशान हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, उसका आपको समाधान अवश्य मिलेगा। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। उम्मीद है आप स्वस्थ होने की तरफ अग्रसर रहेंगे। सादर नमस्ते।